ओहो साजू देखो मनाली चढ़ गया था टाइट फाड़ भी लेते पूरे कलाकार हैं नहीं ले रहा तो भाई सवारी आ गई गुरुद्वारे में कि यहाँ का गुरुद्वारा बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच गुरुद्वारा बना रखा है ऋषिकेश के अंदर ये सारे टीन टप्पर हमारे तो एंट्री कर रहे हैं गुरुद्वारे में वो सारे जा रहे बैग यहीं उतार देते यह गुरुद्वारा वाहे गुरु वाहे गुरु यहां से चली सवारी नीचे की तरफ प्रसाद बुजुर्ग खा लिया दर्शन कर लिए माथा टेक लिया मतलब यहाँ ना म्यूजियम बना हुआ है बहुत सुंदर म्यूजियम कहते हैं दिखाता हूँ आपको म्यूजियम ये दिखाया गया है कि कैसे मुसलमान लोगों ने इन लोगों पे इतने जुल्म किए इनके बच्चों को मारा देखिए अपने जीवन के सब दुखों को इन्होंने वर्णन करने की कोशिश की है मतलब बच्चे को अपने काट के उसकी माला बना के इन्होंने उसकी माँ को पहनाया गुरुओं को जबरन रस्सियों से बांधा तो जलाया गर्म पानी में रखे उनको तला करता फिर भी गुरु अपनी बात पर अपनी उस पे अटल रहे अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया आरे से काट दिया उनको अकाल मूरत चक्की में भी पिसवा दिया अजूने से भंग गुरु प्रसाद आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से वाहे गुरु वाहे सोचे सोच ना वही जे सोची लखवा चुप है चुप ना हो वही जे लाई ये वो गुरु जी जिन्होंने अपने बच्चों के मरने पे अपनी गर्दन काट के उनके दुश्मनों को मारा था गुरु गोविंद सिंह जी ये गुरु बंदा बहादुर जी हैं ये वो दो बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के जिन्हें जमीन में चुनवा दिया गया था उनके बाप को भगदड़ कह के एक बात है मतलब जिन्होंने भी बनाया है ना इतनी क्लियरिटी बनाई है कि एकदम से आँख नाक बिल्कुल सब बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है ये देखो बिल्कुल रियल लग रहा है कह नहीं सकता कि नकली है दूर से देखने पे मतलब सफाई बहुत बढ़िया हाथों में ये वही जिन्होंने दो बच्चों को मरवाने का हुक्म दिया था यहाँ चले बाहर देखते हैं लंगर लुंगर खाएंगे लंगर घर पे भोजन छकेंगे उसके बाद अपना घर का सफर करेंगे ये सेवादार सेवा तो लगे हुए हैं पेटे पलोटे चक सब तीन कर रहे हैं
व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है। हम यहाँ पर है और पहाड़ों पे बारिश हो रही है बहुत दबा के, जैसे कल रात को हो रही थी और अब हम नीचे उतर गए। आज बारिश नहीं है, मौसम देख रहे हो पीछे बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक हुआ पड़ा, बिल्कुल ब्लैक। ये निकल रही जगन्नाथ यात्रा, 25वीं जगन्नाथ यात्रा। भाई हम आ गए हर की पौड़ी पे श्री गौरी शंकराचार्य मंदिर के पास। व्यू देखो यार कितना है, मतलब रात को एक बंदा नहीं था, दिन में तो भीड़ है यहाँ पे, दिन में रोना लगी हुई है, भीड़ बहुत ज्यादा है भीड़। हमें लगा कि सीजन ऑफ होगा पर ऐसा कुछ नहीं है, हर टाइम भीड़ रहती है हरिद्वार में। तो इसे हम हर की पौड़ी पर है और हर की पौड़ी पे भीड़ देखो, सफर हमारा बहुत बढ़िया रहा। दो दिन हमने शुक्रवार रात को आए थे, आज संडे लगभग दोपहर के 2-3 बज गए हैं। जाम इतना ज्यादा था, जाम हमें लगा सीजन ऑफ है तो जाम मिलेगा नहीं, पर जाम बहुत ज्यादा था। अब हरिद्वार पहुंचे, अब यहाँ सीधा चलेंगे घर। ओके बाय, टाटा।